सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम आपको अध्ययन करवा रहे थे अध्याय प्रथम, आपका पहला अध्याय भाषा का, जिसे हम क्या कर रहे हैं, दोबारा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। और अब हम इस अध्याय में दिए गए प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए आप भी पेज नंबर फोर में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिए गए हैं लिखित प्रश्न। आप सभी इन्हें जो लिखित प्रश्न हैं, इन सभी का उत्तर अपनी पुस्तक में लिख चुके होंगे पहले भी, आज हम इन्हें स्वीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में, तो यहाँ पर है आपके लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जिसमें क है भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों भाषा का प्रयोग आपको मालूम है, भाषा का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, है ना। जब हम कोई बात बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है, और जब हम किसी बात को लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे पढ़ता है। तो इस तरह भाषा का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है। फिर ख है इसमें, तो यहाँ पर चार पर टिक किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने इस तरह से टिक नहीं किया अपनी पुस्तक में, वो यहाँ पे भाषा का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे चार नंबर पर टिक कर दीजिए। फिर है सुनना बोलना रूप है, तो सुनना और बोलना भाषा का कौन सा रूप है, सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है, तो आप यहाँ पे मौखिक रूप वाले जो बॉक्स है उस पर सही का निशान लगाएंगे। और फिर देखो इसमें इसी में है पहला लिखित भाषा का, लिखित भाषा का रूप क्या है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है, बोलना और सुनना मौखिक भाषा का रूप है, और सांकेतिक भाषा क्या है, संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा जो संकेत किए जाते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं ना। फिर इसी में दूसरा देख लीजिए आप लिखित प्रश्न, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं, मेंढक, भाषा और दो, तो जिसमें क है यहाँ पे खाली स्थान है, फिर है टर्टर की आवाज करता है, तो टर्टर की आवाज कौन करता है, यहाँ पे देखिए आप, तो टर्टर की आवाज मेंढक करता है ना, तो आप यहाँ पे मेंढक लिख लीजिए अपनी पुस्तक में। फिर ख देखिए, ख में भी पहले क्या, खाली स्थान, और के द्वारा ही हम अपने मन की बात बताते हैं, तो बताइए किसके द्वारा हम अपने मन की बात बताते हैं, भाषा के द्वारा, भाषा के द्वारा ही हम अपनी मन की बात किसी अन्य व्यक्ति को बता पाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा। फिर देखो इसमें गौ, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, और वे हैं लिखित रूप और मौखिक रूप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाषा के दो रूप होते हैं। फिर घ है बिल्ली, बिल्ली कौन सी ध्वनि आवाज निकालती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना, म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालती है ना बिल्ली, तो यहाँ पर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है लिखेंगे। तो इस तरह आप अपनी पुस्तक में खाली स्थान भर लीजिए। फिर देखिए अगले पेज में, पेज नंबर पांच में, यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के सामने सही का सही और गलत के निशान लगाइए, तो जिसमें क है हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं,
बताइए, हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं? नहीं, हम पशु पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं पर उसे समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे आप, पहले में गलत का निशान लगाएंगे, फिर ख है लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं, तो ये भी क्या है, गलत वाक्य है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आते हैं ना। फिर ग देखिए, भाषा का प्रयोग चार प्रकार से होता है। भाषा का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है ना, लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे तीसरे में। फिर है घ, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। और ये भी क्या है, सही वाक्य है। बोलना और सुनना क्या है, मौखिक भाषा के ही रूप है ना, और लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप है। तो इस तरह बच्चों आज आप पेज नंबर 5 में प्रश्न संख्या 3 तक एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों ने अपनी पुस्तक में इस तरह से सही गलत का निशान, खाली स्थान नहीं भरे हैं, इन्हें आप भर लीजिए, जिससे आपको इन्हें याद करने में सुविधा रहे। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप अध्याय प्रथम। धन्यवाद।